एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ सेट और नॉट। तो आप ये तभी बता सकते हैं अगर आप डेफिनेशन को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसको लर्न करने के बाद ही आपको जो है वो बता पाएंगे कि ये सेट है या फिर नहीं है। सेट होने के लिए उसका जो है वो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए और इसको वेल डिफाइन होना चाहिए। द फाइव प्रोवेंसेज ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें प्रोवेंसेज कौन कौन सी हैं ये हमें पता है, हमको उनको जो है वो डिफाइन वेल डिफाइन भी हैं और वो डिस्टिंक्ट भी हैं यानी कि डिफरेंट हैं, तो इट्स मीन ये सेट है। इसी तरह से है द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब बच्चों के लिए सेम नहीं होंगे, किसी बच्चे के लिए कुछ जो है वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे और जो दूसरा बच्चा होगा उसके लिए कुछ और डिफ़िकल्ट होंगे, यानी कि ये वेल डिफाइन नहीं है, तो इट्स मीन ये सेट भी नहीं है। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, स्केल आ जाता है उसमें, कंपस, प्रोट्रैक्टर, ETC। तो ये जो है वो डिफरेंट भी हैं यानी कि डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड भी हैं, तो इट्स मीन ये भी सेट है। इसी तरह से है द नोटी बॉयज़ ऑफ अ स्ट्रीट। अब नोटी बॉयज़ को भी आप जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उस पर बारे में आप श्योर नहीं होंगे कि कौन से बॉयज़ जो है वो नोटी हैं स्ट्रीट में और सबके लिए जो है वो सब उन्हें जानते हैं, तो इट्स मीन ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से जो है वो आपने इसके बाकी पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं। तो जो हमारे पास सेट होंगे आपने लिखना इस तरह से है इसको, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है कि ये वेल डिफाइंड भी है और इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हैं, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ सेट। सेकंड पार्ट है तो उसमें है द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसमें इट इज़ नॉट अ सेट। इसमें जस्ट आपने सेट ये बताना था कि सेट है या फिर सेट नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी आपने बताना है कि वो सेट है या फिर नहीं है, लेकिन आपने उसका साथ रीज़न भी लिखना है कि ये सेट क्यों नहीं है। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है लेटर बैंक का सेट है BANK, तो इसके जो है वो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं और ये वेल डिफाइंड, तो इट्स मीन इट इज़ सेट। इसी तरह से जो है वो इसके भी एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं और ये वेल डिफाइंड भी है, सेट ऑफ इवन नंबर है लेस देन 10। इसी तरह से है सेट सी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 0, इसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है यानी कि 0 इसमें रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन इट इज़ नॉट अ सेट। और क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें ये इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। इसी तरह से डी के एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट नहीं है। इन सब को जो है आपने देख लेना अच्छे से। अब यहाँ पे जो है दो सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो ब्यूटीफुल बर्ड्स सबके लिए सेम नहीं है, आप इसको वो डिफाइन नहीं कर सकते, तो इट्स मीन ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट भी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये वेल डिफाइन नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आपने इसका सोल्यूशन राइट करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो इसका लिखेंगे इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है और इस तरह के जितने भी पार्ट्स होंगे आपने उसका सोल्यूशन इसी तरह से राइट करना है कि इसमें जिसमें जो है एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसी तरह से जो है वो द सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो दैट्स वाई ये सेट नहीं है, तो इसका रीज़न भी लिख देंगे इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। तो बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आप इसी तरह से जो है वो उनको सॉल्व आउट करेंगे।